पर इस वक्त आ रही है बताएं, शारजा शेख पर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई है ईडी। जी हां, कलकत्ता हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो टीम है वो कर रही है। और इसके अलावा लगातार जो एक्शन है ताबड़तोड़ वो भी जारी है। 14 संपत्ति जब्त, 2 बैंक अकाउंट सीज किए गए हैं। और साथ ही खबर ये मिल रही है कलकत्ता हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से। तो ये बड़ी खबर शारजा शेख को लेकर के इस वक्त बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची ईडी। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगा रही है ईडी। और अब कलकत्ता हाईकोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है क्योंकि जांच को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। पहले से ही लंबे वक्त तक शारजा शेख फरार रहा जिसकी वजह से जांच में देरी आई। और अब जब वो पकड़ा भी गया तो राज्य सरकार के साथ जो जांच एजेंसियां हैं उनकी तनातनी की वजह से ये मुश्किलें आ रही है। वहीं संदेशकाली मामले में सीबीआई भी एक्शन में आ गई है। शारजा शेख समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल ये केस दर्ज किया गया ईडी की टीम पर हमले को लेकर जो कि 5 जनवरी को संदेशखाली में किया गया था। अब सवाल उठ रहा है कि आगे क्या होता है इस मामले में वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। और आपको जैसे कि हमने बताया ईडी की टीम जब वहां छापेमारी करने पहुंची थी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है टीएमसी के और साथ ही संदेशखाली में जो शारजा शेख के करीबी थे समर्थक थे वो सब ईडी की टीम पर हमला करते हुए नजर आए जिसमें ईडी के अधिकारी घायल भी हुए थे। और उसके बाद से ही शारजा शेख फरार चल रहा था। और उसके बाद वहां के आसपास की जो लोकल महिलाएं उन्होंने गंभीर आरोप लगाए यौन उत्पीड़न के भी। इसके बाद महिला आयोग की टीम भी वहां पर पहुंची, बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा। और अब जानकारी है कि सीबीआई ने शारजा शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।